मेरे घर पे भी बड़ी पार्टियां होती थी। कोई देख के गया था एक पेंटिंग मेरे घर पे, पेंटिंग थी दिल्ली के नाम, तो वो उसने भेजा था उसको लेने के लिए। मैं सो रहा था अंदर, उन्होंने पकड़ के मुझे हथकड़ियां लगा के पिस्तौलें रख के तो सारी मेरी घड़ियां मेरी कितनी चीजें क्योंकि 3 मिलियन यूरो की वो मेरी ले गए। और वो पेंटिंग कितने यूरो की? पेंटिंग 1 मिलियन यूरो की। आपकी ज़िंदगी में मेरी आपसे कुछ 4-5 साल से तो मुलाकात है, जब भी हम आपके पास आते हैं तो कोई नया मुझे हादसा सुनने को मिलता है। अभी कोई 1 साल पहले फ्रांस में आपके घर पे पूरी डकैती की वारदात हुई, ये क्या मामला? पूरा फिल्मी सीन है, और कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ? वो असल में ना जो डाके मारते हैं वहाँ पे ना, तो उन्होंने कोई 8-10 जो बड़े मशहूर लोग थे, फिल्म एक्टर थे, बिजनेसमैन थे और टीवी पे प्रोग्राम करते थे, उनके घरों में उनका डाके मारने शुरू किए। उन्होंने मेरे घर पे डाका मारा क्योंकि माशाल्लाह मेरा नाम काफ़ी मशहूर है वहाँ पे। उसके बाद मेरे घर पे भी बड़ी पार्टियाँ होती थी, तो कोई देख के गया था एक पेंटिंग मेरे घर पे, पेंटिंग की दिल्ली के नाम की, तो वो उसने भेजा था उसको लेने के लिए। अच्छा, किसी ने देखी? हाँ, किसी ने भेजा, वैसे आपके घर नहीं आते, ठीक है ना। तो वो पेंटिंग वो ले गए, तो उसके बाद मैं सो रहा था अंदर, उन्होंने पकड़ के मुझे हथकड़ियाँ लगा के पिस्तौलें रख के तो सारी मेरी घड़ियाँ मेरी कितनी चीज़ें थी, 3 मिलियन यूरो की वो मेरी ले गए। और वो पेंटिंग कितने यूरो की? पेंटिंग 1 मिलियन यूरो की थी। ओह हाँ, तो उससे ज़रा मेरी गर्दन पे मसला बन गया, मेरी नर्व्स फिस गई सारी, तो मेरा ये लेफ्ट हैंड ज़रा काम नहीं करता आजकल। तो फिर उस वहाँ पे कानून किस तरह से हरकत में आया, क्या वहाँ पे 2 पकड़े गए पुलिस बड़ी जल्दी से, उन्होंने 2 को पकड़ लिया, और 2 जो हैं जो पुलिस बन के आए थे, शक्लें लुकाई हुई थी सारी, वो बता नहीं रहे अभी उनका। अभी अच्छा, वो पुलिस का ही पूरा रूप धार के आए थे? पुलिस बन के आए थे। सही है, पुलिस बन के आए थे। तो आप उससे पहले पाकिस्तान में कुछ ज़मीन का मसला हुआ आपका? अभी भी चल रहा है अदालतों में, वहीं से आ रहे हैं। क्या है ये ज़मीन का मसला? और मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, सोचते नहीं कि महमूद भट्टी क्या यार तेरी ज़िंदगी में हादसात बढ़े हैं, धोखे बढ़े हैं, ये बड़ा मामला था। बस ये इस लाइफ इसमें कोई नहीं है। वो ज़मीन का मसला वो कि एक वकील को थोड़ी लेटर दिया हुआ था, 1 मरबा ज़मीन थी मुल्तान रोड पे, तो वो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी मेरी मदर के नाम पे यतीमखाना उसके नाम पे कुछ मैं बना लूँ। जब मेरी मदर की डेथ हुई, मुझे पता चला मेरी मदर की डेथ हो गई, मैं पेरिस में था, मैं आया तो पूछा यार मेरी मदर की डेथ हो गई ऐसे? उन्होंने कहा जी वो कब्रिस्तान में चले जाएं आप देखने के लिए। वहाँ पे कब्रिस्तान में चले गया, तो मैंने जब वो यतीमखाना बनाना था, क्योंकि डिज़ाइन सब चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ, ठीक है, और बाद में वो पता चला वो वकील जिसको मैंने थोटी लेटर दिया था उसने अपने और अपनी बीवी के नाम पे करवा ली वो ज़मीन 1 मरबा। हाँ जी, 1 मरबा। असल में बाहर हमें वकीलों की आदत है, 80 मुल्कों में मैं जाता हूँ, मेरे वकील ही सारे काम करते हैं। तो फिर आपने वकील नहीं कुछ करते, तो आपने यानी जिसको वकील किया था, जिसने आपका ही काम करना था, उसने आपके साथ हाथ कर दिया? हाथ कर दिया, और उस पर पकड़ के जब मैंने उसका सीआरडी लिया, वो केस किया, उसने पकड़ के मुझ पर कोई 20 केस कर दिए। तो उसका क्या जाना है, ठीक है ना, जाना तो मेरा ना, मैंने तो वकील ढूंढने हैं पे करने के लिए। तो आप कितनी देर से इस मसले में उलझे हैं? 3 साल हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में ना सबसे बड़ा मसला है, लेकिन ना पाकिस्तान ने मुझे 2 बड़े अवार्ड दिए हैं, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, पब्लिक का शुक्रिया, जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझसे प्यार करते हैं, उनकी वजह से ये सब चीज़ें मुझे मिलती हैं। पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम नहीं है, सबसे दुनिया का ख़राब जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान में है। यानी आप जब अदालत में जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, एक औरत जज बैठी होती है, वो 10-12 बदमाश बन के आते हैं, किसी ने टाई भी नहीं लगाई होती, किसी ने वकील ने सूट कोट भी नहीं पहना होता, वो आके इतनी बदतमीजी करेंगे। एक वकील आया, ओए मेरा प्यो भी कत्ल हो गया सी, तो मैं उस्ताद पीछे मैं भी कत्ल हो जाऊँगा, अंदाजा करेंगे जज के सामने ये बोल रहे हैं। जज बेचारी उठ के चले जाती है कमरे में, पुलिस को फ़ोन करती है बुलाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ बदतमीजियाँ करते हैं। तब वो 3 साल हो गए हैं, अभी तो मैं अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो मेरी ज़िंदगी भी में कुछ नहीं हुआ इसका। अच्छा, ये आपको लगता है जो सिस्टम चल रहा है जिस तरह से पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम सबसे गंदा और ख़राब सिस्टम है पाकिस्तान का। लेकिन आप कह रहे हैं जंग में लड़ूंगा, अपनी फाइट करता रहूँगा। मैं जंग इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मेरी माँ के मैंने जज को कहा है मेरा बयान रिकॉर्ड करें, लिखें, ये ज़मीन यतीमखाने के नाम पर कर दें,
मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कितने पैसे इस पे बिल्डिंग पे लेंगे वो मैं लिख के दूंगा, मेरे नाम पे नहीं चाहिए मुझे, मेरी ही ज़मीन है, मैंने ही अथॉरिटी लेटर दिया था इसे, लेकिन मुझे ये ज़मीन नहीं चाहिए, यहाँ पे यतीम खाना बन जाए, मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल यार, ये इन लोगों को सोचना चाहिए, हमने ज़िंदगी में सारी उम्र नहीं रहना इस ज़िंदगी में, ठीक है, जब हमने चले जाना है चले जाना, ये ज़मीनें महाल साहब इधर ही रह जाने हैं, सब चीज़ें इधर ही रह जानी। मैं जब जाता हूँ कब्रिस्तान अपनी माँ की कब्र पे, तो वो मुझे सिर्फ कब्र ही नज़र आती है, मेरी माँ भी कुछ लेके नहीं है, मैंने भी कुछ लेके नहीं जाना। तो उस वकील ने कभी आपसे कहा नहीं कि चले इस मसले को बैठ के हल कर ले? नहीं नहीं नहीं, वो सीनियर वकील है और मैं बड़ा पावरफुल हूँ, जज मेरे हक में फैसला न करें मैं जजों को चेंज करवा दूँगा। तो आपने कहा नहीं यतीमों की ज़मीन है ये? तो वो तो खुद ही पेश होता। अच्छा, ना ना, 3 साल में एक दफ़ा पेश नहीं हुआ वो जी, सीनियर वकील हैं, उसके वकील आते हैं, वो पेश नहीं होता जी, वो बिजी है, आज सुप्रीम कोर्ट में है, आज वो हाई कोर्ट में है। और आप हर मर्तबा जा रहे हैं? मैं पेरिस से आता हूँ अदालत में जाने के लिए। जज साहब ने कोई इजहार नहीं किया इन 3 सालों में? जज जो खुद भी डरते हैं, अच्छा। क्योंकि जस्टिस सिस्टम नहीं है ना बाहर, अगर आपके जज को कह रहे हैं उसने आज आपको बुलाया ना, अगर आप ना आए एक स्किन में, मुझे पता है कि आर्डर हो रहे हैं, उस वकील के भी, प्रेसिडेंट के भी, मनीष के भी, सारे उसके पता है कि आर्डर हो रहे हैं।